व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं क्या व्लॉग करने वाली हूँ। तो यस, आज आफ्टर 2 ईयर्स मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी ना अपने चैनल की, पहली नहीं थी आई गेस, दूसरी या तीसरी वीडियो थी, हाँ वो मैंने किया था रिक्रिएट अपनी मम्मा का वेडिंग लुक, 2 साल पहले बनाई थी गाइज वो, और वो आज 1 मिलियन हो चुकी है वीडियो। और मतलब मेरी मम्मी तो है ही वैसे मेरे लिए लकी गाइज, हम पूरे घर में हमारे लिए सबके लिए मेरी मम्मा बहुत लकी है, तो उनके वैसे मेरी पहली वीडियो सिर्फ वही वीडियो जो आज तक 1 मिलियन गई है, तो वो वाला व्लॉग था जो मेरा 1 मिलियन गया था। तो आज मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा, वो तो मैंने मम्मा का वेडिंग लुक रिक्रिएट किया था, अब मैं करती हूँ अपनी मम्मा का रिसेप्शन लुक रिक्रिएट। तो मेरी मम्मा की रिसेप्शन दिल्ली में हुई थी, तो मम्मा दिल्ली के हिसाब से ऐसे बिल्कुल रेडी हुई थी। वैसे मेरी मम्मा रुड़की से थी, तो वो फिर दिल्ली आई थी शादी के बाद। तो गाइज, मेरी मम्मा ने पहनी थी जो साड़ी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ। मैं मम्मा की हेल्प नहीं ले रही इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि मैं उनको पूरा रेडी होकर दिखाना चाहती हूँ, सो नो हेल्प ऑफ मम्मा। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी है, ज्वेलरी कैसी है। अभी मेरे पास वो वाली ज्वेलरी तो नहीं है गाइज, क्योंकि मेरी मम्मी की कुछ ज्वेलरी मेरी मम्मा ने खुद वो करवा के, मतलब वो कन्वर्ट तोड़वा के कन्वर्ट करा रहे थे ना, कुछ और बनवा लेते हैं, वो बनवा लिया था गाइज, तो वो वाली ज्वेलरी अभी बची नहीं है। तो जो है हम उनसे ट्राई करेंगे कि हम कर पाए अपना लुक रिक्रिएट। बाकी साड़ी वही है, चीजें वही हैं, वैसा ही मेकअप करूंगी, लिपस्टिक वही लगाऊंगी, सब कुछ, बाल बाल सब वैसे ही करूंगी। तो गाइज, ये है वो पूरी साड़ी जो मेरी मम्मा ने अपने रिसेप्शन में पहनी थी, तो लेट मी शो यू गाइज। अब तक वैसे की वही, कितनी पतली साड़ी है, मतलब सिल्क है बट इतनी थिन है, पर मुझे इसमें ये नहीं पता गाइज की पल्लू क्या है और नीचे से कैसी है। तो ऐसी है पूरी साड़ी गाइज, बहुत ही हैवी भी है, लाइट वेटेड भी है, जो आजकल ट्रेंड में है ना, जैसे सब बनारसी साड़ी पहनते हैं अपने रिसेप्शन लुक में, स्पेशली हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस, ये मेरी मम्मा पहले ही कर चुकी हैं गाइस। उन्होंने अपने रिसेप्शन में बनारसी साड़ी पहनी थी, टाइट बन बनाया हुआ था लिटरली, और बट उसके ऊपर ना एक वो चुन्नी भी। तो आजकल तो लड़कियां नहीं पहनती है गाइस, मॉडर्न हो गई नहीं मतलब आजकल तो नहीं पहनते हैं, बट उस टाइम पे पहनते थे। ऐसे है गाइस ये साड़ी सीधी, मुझे समझ आ गई यहाँ से शुरू है, तो ये हमें ऐसे लपेटनी है और फिर पूरी साड़ी पहन। तो ये दिस इज द साड़ी, मुझे लग रहा है पहले जो पहले के ट्रेंड थे ना वही आजकल आ रहे हैं, बस उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई है। वैसे हमारी जो मम्मा के टाइम पे चीजें थी ना वो अब तो है नहीं गाइस। अगर तुम लोगों की मम्मा ने भी सिल्क की साड़ी पहनी थी ना तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मेरी मम्मा ने तो पहले ही ट्रेंड फॉलो कर लिया था जो अब चल रहा है गाइस। ये है वो ब्लाउज जो मेरी मम्मा ने उस टाइम पे पहना था, तो देखते हैं हमें आ पाएगा या नहीं। आ जाएगा मेरी मम्मी, क्योंकि कहती है कि वो बिल्कुल सेम मेरे जैसी थी, शिल्पा जैसी नहीं, सेम मेरे जैसी फिजिक में गाइस, शिल्पा तेरे जैसी नहीं, नहीं मतलब कि पतली मेरे जैसी थी, मैं जितनी पतली हूँ ना उतनी पतली थी उस टाइम में मेरी मम्मा। तो ये ब्लाउज आ जाना चाहिए मुझे फिट, अगर उस टाइम मेरी मम्मा इतनी पतली थी गाइस। बाकी मैंने पहना था चूड़ा, और वो अभी हमारे पास नहीं है, बट हम रेड बैंगल्स पहनेंगे उसके साथ। और हमारे पास ये पूरा ज्वेलरी बॉक्स है, जो उस टाइम पे तो ऐसे नहीं था, मेरी मम्मा ने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी जो मैंने बता दिया स्टोरी, बट इसमें से हम यूज करेंगे नोज पिन, और मेरी मम्मा ने गजरा भी लगाया था, मैं गजरा कहाँ से, चलो दैट्स फाइन, गजरे के बिना ही चल जाएगा काम, कुछ चीजें कम है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा वैसे ही बने, वैसे ही लुक रिक्रिएट करें। सिंदूर नहीं लगाऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे शर्म आती है। सो यस, तो गाइस मैंने फाइनली ब्लाउज पहन लिया, और अब मैं थोड़ा तेज बोलूंगी क्योंकि मेरी एसी की आवाज आती है, बट बिना एसी के तो गाइस मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी इस कमरे में। तो गाइस ये ब्लाउज मुझे थोड़ा टाइट आया, फंस गया है यहाँ से, तो और स्लीव्स ठीक है, ये टाइट नहीं है, ये सही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर यहाँ से इस वाले पोर्शन से फंस गया, मैंने लास्ट का हुक भी नहीं लगाया, और क्योंकि हुक अपने आप खुले जा रहे हैं। अब हम इस साड़ी को ड्रेप करेंगे इसके ऊपर, लोअर के ऊपर ही, पेटीकोट नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे कौन सा बाहर जाना है, सिर्फ एक लुक की तो रिक्रिएट करनी है। तो यस, अब मुझे साड़ी वाड़ी बांधनी तो आ गई है गाइस, क्योंकि इतने लुक में मैंने इतनी बार बांध ली है, तो मैं इसमें भी आराम से बांध लूंगी। तो मैंने शाम को रील बनाई थी गेट रेडी विद मी वाली, उसमें भी साड़ी बांधी थी, फिर साड़ी बांध रही हूँ, मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ गाइस। आई होप मेरी ये वीडियो भी 1 मिलियन चली जाए जैसे पहले वाली गई थी, वो भी मैंने खुद करी थी, अगर तुमने अब तक नहीं देखी ना तो जाके देखना। वैसे 2 साल में और अब तक मेरे अंदर बहुत चेंज आया, तब मेरा हेयर कलर भी बहुत गंदा था, और वो भी मैंने खुद अकेले ही बनाई थी पूरी वीडियो गाइस। मैं थोड़ा ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, मुझे ब्लाउज में शर्म आती है। इसके पल तो अपने आप बने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म हो रखी हूँ, पहले से लाइनें खींची हुई है। बल्कि गाइस मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बताया था कि ये साड़ी जब से मम्मी ने पहनी है ना रिसेप्शन से, उसके बाद कभी धुलवाई नहीं थी, ये तब से ऐसी रखी है, पर अब वो सोचती है कि इसको धुलवा के रखूं मैं, शायद पल्लू छोटा रह गया, बंगाली साड़ी बना लेती हूँ। तो पता नहीं ऐसे कोई पहनते है ना, मुझे नहीं पता कौन से रिलीजन में पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं वो साड़ी, पर ये पल्लू छोटा रह गया, तो हमें और बल निकालने पड़ेंगे, शायद इतने काफी रहे। हाँ अब आई है, यस स्लिप हो रही है गाइस, स्लिपरी है ये, तो इधर पिन लगाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं रखी थी,
मम्मी ने तो सर पे रखी हुई, चलो देखते हैं करके कैसी रखी हुई। अगर ये ऐसे थी कैसे लग रही हूँ मैं भाई फनी गाइज, मैंने जैसे तैसे खुद पिन लगा लिया, पर ये पता नहीं क्यों ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ गया है, मुझे समझ नहीं आता साड़ी में ऊपर ऐसे क्यों चढ़ता है, ऐसे रहनी चाहिए साड़ी तो। बाकी मैं पल्लू ऐसे ही रखूंगी क्योंकि मम्मी का भी ऐसे ही था गाइज, खुला पल्ला था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो फटाफट से आप पहनते हैं, हम क्या पहनना है पहले, मुझे लिपस्टिक लगानी है, रुको लिपस्टिक लगा ली, मैंने ऑलरेडी न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है तो इसको हटाते हैं, और मैरून लिपस्टिक लगानी है। पहले की औरतों के पास मुझे लगता है सिर्फ दो ही कलर थे, रेड और मरून, इसके अलावा कुछ नहीं लगाती थी। गाइस रोज पेटल्स, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी बनाए हैं होंठ मैंने। अब हम पहनते हैं फटाफट से क्या चूड़ी, गाइस ज्यादा पहनी है, कम नहीं पहन, मैं पूरा डब्बा उठा के ले आई थी मम्मी की बैंगल्स का। गाइस मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ही खराब है क्योंकि जो मैं नोज पिन लेके आई थी, नोज रिंग यार, अब मिल नहीं रही है वो, और सब चीज मिल गई वो नहीं मिल रही, मैं क्या पहन के घूम रही हूँ, और ये ऐसे कर देती। तो गाइज अब हम पहनते हैं ये जो मम्मी ने गले में पहना था, वो कुछ ऐसा सा ही था, पर ये गले का नहीं है, ये वो है वेस्ट पे जो पहनते हैं ना, बट ये सेम वैसा ही। और अब हमें पहनना है, इयर रिंग्स नहीं पहनूंगी क्योंकि वो सर पे रखूंगी सेम जैसे मम्मी ने पल्लू रखा था, उसमें कुछ इयर रिंग्स दिख नहीं रहे थे, मांग टीका उतर उतर के गिर रहे हैं मांग टीका जुगाड़, सेम वो भी ऐसा ही था, पर और पल्लू रख के बिंदी लगा के आती हूँ, और फिर हम बुलाते हैं मम्मी को, और फिर हम आज मम्मी को हम व्लॉग में ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मम्मी पहले से तैयार नहीं है, मैंने पहले से बोल के नहीं रखा हुआ था, तो वो नाइट सूट में लेट गई है जाके, और मैं व्लॉग रात को बना रही हूँ, तो हम मम्मी की आवाज पीछे से सुनेंगे बैक कैमरे से। ओके लेट्स गो। बिंदी क्यों नहीं चिपक रही है? सोने जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसी ताल, टीका गिर रहा है माला माँ पागल हूँ गाइस, थोड़ी सी ना मैं दिमाग से पैदल हूँ। यस दैट्स इट। चलो गाइस मैं कितनी तेज चीख रही हूँ, भाई पापा सो रहे हैं, रात को बना दी और मैं वीडियो। चलो गाइस फिर अब हम बुलाते हैं मम्मी को, बस नोज रिंग की कमी है, बाकी तो मैं सेम लग रही हूँ गाइस। तो गाइस मम्मी आ चुकी है, और अब मैं मम्मी को पलट के अपना मुंह दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर मम्मी बताएगी कि मैं किसके जैसी लग रही हूँ। मम्मी आर यू रेडी? मम्मी आर यू रेडी? रेडी बोली। 1 2 3 गो। पहले बताओ किसके जैसी हूँ भाई? सेम मेरे जैसी लग रही है। कौन सा लुक लिया है मैंने आपका? रिसेप्शन। हाँ बोल गई बेचारी, सेंटी हो गई है, मैं मम्मी को दिखा नहीं पा रही, वरना दिखाती तो अच्छा लगता। वो देख के होगी ना, मैं हुपलास होगी तेरे को देख के। किस चीज की कमी है बताओ? नथ है ना। हाँ। तब से मैं इनको भी ये बता रही। और आपका जो रियल वाला सामान था सब है नहीं ना हमारे पास कानों में भी नहीं डाल ले, वो तो इसमें दिख ही नहीं रहा था, पल्लू में क्या डाल। अब सब रखे हैं लोकर में, मुझे थोड़ा पता था कि भाई तेरे को पहनना है। और इसके ऊपर आपने एक वो दूसरी चुन्नी ओढ़ी हुई थी ना माता रानी वाली, वो नहीं पहनी भाई, वो मुझे मिली ही नहीं, फिर मैं पूछती आपसे तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाता। कैसी लग रही है मम्मी? तो वो लगाते हैं ना पिन, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत मेरे से भी सुंदर लग रही है। आपने ये अपनी पसंद से ली थी साड़ी? नहीं, तेरे दादा की पसंद की है। अच्छा तभी मैं सोचूं इतनी अच्छी कैसे है गाइस ये देखो पूरा लुक ये है मेरा ऐसे ये, और ये बताओ मैंने क्या पहना है? ये क्या है? जो वो होती है ना तागड़ी, उसको उसमें गले में डाल दिया गाइस ये मतलब कि मम्मी को रिसेप्शन के लिए गिफ्ट दी थी साड़ी, जैसे रिसेप्शन में मम्मी को पहनी थी इनके घर से पापा के, है ना। हाँ। तो ये मेरे दादाजी की पसंद की है, उनकी पसंद अच्छी थी गाइस, वो डिट्टो विवेक जैसे थे शक्ल में भी और सारी चीजों में, और हाइट में भी डिट्टो विवेक जैसे है वो वैसे ही थे, और उनकी चॉइस हमारी जैसी थी, हमारी चॉइस भी अच्छी है। ये टीका अच्छा ही लगता हटा दे, वैसे सेम लग रही हूँ। गजरा भी पहना था ना। हाँ। वो भी नहीं है, दो तीन चीजें कमी रह गई गाइस, तो हमको नेक्स्ट टाइम पूरी करेंगे जरूर। आप बताओ कैसे लगा? 1 नहीं 10 में से कितने मार्क्स?
10 में से 10। सोने जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसे बाल। कैसे है गाना पता नहीं, और मम्मी को डांस करना भी नहीं आता। आपने देख ही लिया होगा उस वाले ब्लॉग में जाने ट्रिप क्यों डाला था वो सबको दिखाने के लिए, आप फनी हो। सो गाइस, यस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मम्मी के भी हमने रिएक्शन ले लिए, काश आज मम्मी को हम व्लॉग में ले पाते। निकल के मेरा फंस गया, शिट। हां, बिंदी चूड़िया तेरी। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यही था, कुछ ऐसे ही। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था गाइस, सही में। आज मैंने पूरे दिन काम किया, प्रोडक्टिव था मेरा आज का डे। तो अब मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। केड़ी दुनिया तो आई है तू दस जा, नी केड़ी दुनिया तो आई है तू दस जा, ते इत्थे की लभदी है मैनू दस जा, नी इत्थे की लभदी है मैनू दस जा।